की है गणेश जी और माँ भगवती शारदा से। और ये तो सब लोग करते हैं, कोई भी पूजा हो गणपति के बिना नहीं होती है। इसलिए याद किया, पहला तो मंगलाचरण है, गणपति का श्लोक है, परंतु जो दूसरा श्लोक था ना वो देखकर काशी के पंडितों का थोड़ा पावर कम हो गया, बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि शुरुआत की भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्दस्थ विश्वम्। भवानी से शुरू की, पहले वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम, वो तो गणपति और सरस्वती माता का श्लोक है, वो ठीक है, गणपति के बारे में लिखो ठीक है। काशी के विद्वान पंडित भगवान विश्वनाथ के सिवा किसी के सामने देखते नहीं है, बोलते कृष्ण भगवान भी यहाँ पानी भरने आते हैं, बोलो राधे राधे, महादेव के आगे पूरी दुनिया जीरो है, ऐसा मानते हैं काशी वाले। परंतु महादेव पार्वती के आगे भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा की नगरी है, महादेव के पास तो कुछ था ही नहीं, कपड़े भी नहीं थे पहनने के, बोलो जय श्री कृष्ण, न कपड़े थे न घर था न कुछ था। आचार्य शंकराचार्य ने एक श्लोक में लिखा है, स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरंको टिकनकैः। स्वपाको जलपाको, आप तो स्वपक मतलब चांडाल के साथ रहने वाले, आपके घर नौकर नहीं इसलिए आप चांडाल से काम करवाते हैं, स्वपाको जलपाको, साथ में बातें करने वाला कोई है नहीं, तो आप अपने आप बढ़ते रहते हैं, कभी मौन में चला जाते हैं कभी बोलते रहते हैं, निरातंको आपके पास कुछ नहीं है, रंक आप तो बिल्कुल धन विहीन है, मगर कपड़े नहीं है पैसा नहीं है घर नहीं है कोई बोलने वाला नहीं है नौकर चाकर नहीं है, फिर भी आप विश्वपति है विश्वनाथ है, पूरे विश्व के आप राजा है, क्यों? भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। आप पूरी दुनिया के राजा इसीलिए हो गए क्योंकि आपने अन्नपूर्णा से शादी कर ली, बोलो जय श्री कृष्ण, नहीं तो आपके पास कुछ नहीं था। माँ भवानी से शादी हो गई और माँ जगदम्बा अन्नपूर्णा ये काशी नगरी की रानी है और आपने उनसे शादी कर ली, इसलिए आप विश्वनाथ हो गए। उसी भवानी और विश्वनाथ से ग्रंथ का प्रारंभ था, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थम ईश्वरम्। एक 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 श्लोक चौपाई पढ़ने लगे और विद्वानों के मन में चमत्कृति होने लगी, धीरे धीरे अर्थ समझ में आने लगे, क्या बात अद्भुत लिखा। शुरुआत में सात श्लोक लिखे, वो सात श्लोक सात सूर है, और बाद में ऐसी चौपाई लिखी, ये चौपाई का कौन सा छंद है कौन से छंद में लिखी गई ये तो ईश्वर जाने, परंतु जब विद्वानों ने गाना शुरू किया तो दुनिया के कोई भी राग में आप रामायण की चौपाई गा सकते हैं, इतनी अद्भुत शक्ति विद्वानों को इसमें दिखी। बाकी सब हमारे संस्कृत में कई प्रकार के छंद है, अनुष्टुप छंद बृहती सन छंद शिखरणी छंद, आप अनुष्टुप छंद को श्लोक को शिखरणी में नहीं गा सकते, जिस राग में जिस छंद में उसको बनाया गया है आपको उसी राग में उसी छंद में गाना पड़ेगा, थोड़ा आगे पीछे आप राग बदल सकते हैं, परंतु चौपाई ऐसी है आप दुनिया के कोई भी राग में कोई भी छंद में इसकी चौपाई को आप गा सकते हैं। और जब विद्वान गाने लगे गाते 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 मानो कि भगवान राम का चरित्र लोगों के लिए सहज और सुभग दिखने लगा विद्वानों को, विद्वान लोग सोचने लगे कि आज तक इतना आनंद और इतनी भक्ति हमें श्लोकों से प्राप्त नहीं हुई, ये तो ऐसा हो गया कि कितनी भी पूजा करो और पूजा के बाद में एक तुलसी का पान चढ़ा दिया तो हमारी पूजा पूरी हो गई, और कितनी भी आप पूजा करो तुलसी का पान नहीं चढ़ाया तो वो पूजा पूर्ण नहीं है। उसी तरह से कितना भी शास्त्र रूपी विद्वत्ता का ज्ञान ईश्वर के सामने रखो, जब तक तुलसीदास का ये चौपाई तुलसी के पत्ते के रूप में वहां पर नहीं रखा तो वो पूरा ज्ञान रूपी जो भक्ति है वो अधूरी है, ऐसा विद्वानों ने समझ लिया। तुरंत ग्रंथ को अपने माथे पर लिया, लोग नाचने लगे, उसमें से एक विद्वान ने बहुत सुमधुर प्रश्न किया, तुलसी
हे तुलसीदास आपने ग्रंथ तो बहुत सुंदर लिखा है। आज तक जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते थे माफ करना इतना आनंद नहीं आता था, हम पारायण करते थे इतनी आनंद की अनुभूति नहीं होती थी। हम जब हम गाते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी तो तुरंत याद आता है कि मंगल भवन, भवन मतलब घर, भवन शब्द सबको पता होता है। हे ईश्वर राम आप तो मंगल का घर हो, जिसके घर में जो होगा वो ही देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं आपके घर पे आऊंगा मिठाई लेने, यदि आपके घर पे मिठाई होगी तो भी तभी मिलेगी ना, आपके घर पे जो होगा वो मिलेगा। राम के घर में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि राम मंगल के भवन है। यदि व्यस्तु मंगल करना है, दुख को दूर करना है, मंगल कार्य करना है तो राम के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मंगल भवन है। अमंगल हारी सबको पता है, अमंगल को दूर करने वाले। तो शब्द से अर्थ पता चलने लगा। विद्वान ने सोचा ये अद्भुत ग्रंथ है, आपने इस ग्रंथ में राम को निर्गुण कहा तो कभी आपने राम को सगुण कहा, आपने राम और सीता का उत्तम प्रेम दिखाया, आपने राम और हनुमान की भक्ति दिखाई, आपने राम और भरत का मिलन कितना सुंदर दिखाया। गाते गाते व्यक्ति रोने लगेगा, एक 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 चौपाई ऐसी है जब आप गाते हैं तो आपकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं, जब उसको समझा जाए अर्थ सहित। तुलसीदास ये कहां पढ़कर आए, बोलो जय श्री कृष्ण, ये कौन पढ़ाया, तुम्हारे गुरुजी कौन है? गुरुजी के बारे में कोई श्लोक इसमें नहीं लिखा आपने, गुरुजी का नाम भी नहीं लिखा, नहीं तो लिखना पड़ता है कि फलाने फलाने गुरुजी का मैं शिष्य हूं। आपके गुरु कौन है, आपने आपके गुरु के बारे में कुछ लिखा कि नहीं? अब क्या लिखना है, गुरु के बारे में तो कुछ बोलना पड़ेगा। तुरंत तुलसीदास ने सोचा बात तो सही है, मैंने मेरे राम के बारे में लिखा मगर मैंने मेरे गुरु के बारे में कुछ नहीं लिखा। तुरंत हनुमान जी ने काशी में आंखें बंद की और गुरु के बारे में लिखना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरन रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। हनुमान जी महाराज तुलसीदास के गुरु है, हाथ कौन रखा था, हनुमान जी। राम तुम्हारे अंदर है ऐसा कौन कहा, हनुमान जी। राम नाम की भक्ति सुनने कौन आए, गुरु जी हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी ये तुलसीदास के गुरु है, इसलिए हनुमान जी की स्तुति उन्होंने काशी में लिखी। खान की बात यह है कि हनुमान जी महादेव का ही अवतार है, इसलिए महादेव के गुणगान काशी में ही करने चाहिए। बोलो विश्वनाथ महादेव की। इसलिए काशी बुलाया उन्होंने भगवान ने, बोले राम का लिखना तो वहां भेज दिया, भगवान की लीला भी बड़ी है ना, अजीब है। काशी में बैठकर उन्होंने सुंदर हनुमान चालीसा का प्रणयन किया। आइए दो क्षण हनुमान चालीसा करके हम रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरन रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय प्रीत तिहु लोक हु जागर, राम दूत लक्ष्मण बल रामानंदनि पुत्र पवन सुत रामा, महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के, सज्जन मरण विराज सुमेधा कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजी, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन,
ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಗುಣಿಯತಿ ಚಾತುರ ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇಕೋ ಆತುರ ಪ್ರಭು ಚರಿತ ಸುರಿಬೇಕೋ ರಸಿಯಾ ರಾಮ ರಸ ಸೀತಾಮನ ಬಸಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಐದಿ ಕಾವಾ ವಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜಲಾವಾ ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಮಾರೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಮಾರೇ ಆಯ ಸಜೀವನ ಸಕಲ ಜೀವಾರೇ ಪಾಲ ಜನ ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ದುವಾರೇ ಸುಮರ ಕುಮಾರೇ ಪೈಸಾರೇ ಸುಖನೇ ತುಮಾರಿ ಶರಣ तुलसीदास जी के गुरु है श्री हनुमान जी महाराज। सज्जनों ध्यान ध्यान देना, हनुमान जी महाराज महाराज स्वयं भगवान महादेव के अवतार है। स्वयं भगवान महादेव एकादश रुद्र बनकर हनुमान जी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और शास्त्रों में कहा गया है शिवा महागुरु, भगवान शिव ये सबसे बड़े गुरु है, ज्ञान दाता है। जितना भी शास्त्र शिव और पार्वती के संवाद में आया है इस दुनिया में, जितनी भी कथाएं जितनी भी वार्ता है, पूरा वांग्मय शास्त्र वांग्मय पूरा शास्त्र भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया है, क्योंकि शिव ये गुरु है। इसलिए हनुमान जी महाराज गुरु बने, गुरु के रूप में आकर तुलसीदास जी को अद्भुत ज्ञान दिया और तुलसीदास ने ये अद्भुत ग्रंथ का निर्माण किया। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, उसकी एक एक चौपाई मानो एक एक कल्पतरु वृक्ष के पान है। तुलसीदास जी के ये ग्रंथ रामचरितमानस के शरण में बैठकर जो व्यक्ति जो चाहता है वो पा लेता है। कहा गया है ये ग्रंथ एक कल्पतरु ग्रंथ है। तुलसीदास की ये वाणी, ये वेद वाणी है, ये अमृतमय गंगा की धारा है। त्रिवेणी संगम ये शास्त्रों में धीरे धीरे बताएंगे। रामचरितमानस का तो अद्भुत विस्तार आजकल विद्वान लोग करते हैं अपनी मति और अपनी बुद्धि के अनुसार, जिसको जैसा आता है वो ईश्वर की कृपा से गुरु कृपा से उसका विस्तार करते हैं। पूज्यपाद मुरारी बापू रामचरितमानस को लेकर, एक शब्द को लेकर, उस शब्द में रामचरितमानस में उस शब्द को कहां कहां कैसे कैसे आया है, ऐसे कई शब्द हो रामचरितमानस पादुका, मानस भक्ति, मानस ज्ञान, मानस वैराग्य, मानस सीता, अनेक विषयों पर आप बोल चुके हैं।
क्योंकि ये मानस एक ग्रंथ ज्ञान का भंडार है और साथ साथ में ये मानस ग्रंथ ये कल्पतरु वृक्ष भी है। श्रद्धा से भक्ति से और सच्चे मन से जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ का आश्रय लेता है, इस ग्रंथ की सेवा करता है, इस ग्रंथ की पूजा करता है, उसके जीवन में ईश्वर की पूर्ण कृपा होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लोग इस ग्रंथ को अपने पास सदा सर्वदा रखते हैं, निरंतर इस ग्रंथ का आश्रय लेते हैं और कहा जाता है ये ग्रंथ ये बहुत बड़ा भगवान राम का ही वांग्मय स्वरूप है। ये रामचरितमानस ये उत्तम धन है। रामचरितमानस का ये ग्रंथ एक ऐसी करेंसी है जो सब देशों में चलती है। बोलो जैसे कृष्ण डॉलर इंडिया में, डॉलर अमेरिका में ही चलते हैं, रुपया इंडिया में ही चलता है, चेंज करना पड़ता है आते जाते, भाव भले छोटा कम हो पर अलग बात है, परंतु बदलना पड़ता है, इसको कहीं नहीं बदलना पड़ता। दुनिया में कहीं भी जाइए ये भक्ति की करेंसी, ये भक्ति का जो धन है वो ऐसा है, वो सदा सर्वदा विद्यमान रहता है उसी रूप में। इसलिए इसके आश्रय में बैठकर उसका आश्रय किस तरह से करना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुजी बताते थे कि तीन तरह से रामचरितमानस का आश्रय लेना चाहिए। रामचरितमानस की सेवा तीन रीति से करना चाहिए, एक तन से, एक मन से और एक धन से।